हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन यानी वर्तमान की संजीवनी बूटी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संजीवनी बूटी की, उसी संजीवनी बूटी की जिसको कि श्री हनुमान मूर्छित लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत से लेके आए थे। वर्तमान युग में अगर हाइड्रोक्लोरोक्वाइन को संजीवनी बूटी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे जैसे दुनिया में ये बात फैलती जा रही है कि मलेरिया में इस्तेमाल होने वाली क्लोरोक्वाइन दवा यानी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन ये कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों में भी काम करती है, वैसे वैसे इस दवा की मांग बढ़ती जा रही है। भारत से करीब करीब अभी तक 30 से ज्यादा देश इसकी आपूर्ति की बहाल करने की मांग कर चुके हैं। इसी क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ही भारत से मदद मांगने के साथ साथ चेतावनी तक दे डाली हुई है। उन्होंने यहां तक कह दिया हुआ है, अगर इस संकट की परिस्थिति में भारत हमारी मदद नहीं करेगा तो हम भी इसका जवाब देंगे। तो आइए चलिए दोस्तों बात करते हैं कि ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन दवा क्या है और ये किस काम आती है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन दवा ये एंटी मलेरियल ड्रग है जिसका इस्तेमाल मलेरिया के इलाज में होता है। मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा क्लोरोक्वाइन है, जिससे ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन थोड़ा सा अलग है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन इसका प्रयोग मलेरिया के उपचार के साथ साथ अर्थराइटिस में भी होता है। ICMR यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च इसने कोरोना वायरस के उपचार के खिलाफ इसके उपयोग का सुझाव दिया हुआ है। एजिथ्रोमाइसिन एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स के साथ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन दवा को कोरोना उपचार में लगे हुए डॉक्टर्स उसके अलावा मेडिकल स्टाफ इनको एहतियातन दिया जा रहा है और इस दवा के रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो दोस्तों इसी वजह से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन दवा की दुनिया में तेजी से मांग बढ़ती जा रही है। आइए बात करते हैं क्यों सभी देश इस समय भारत की तरफ देख रहे हैं, भारत उनकी आशाओं का केंद्र बिंदु क्यों है। भारत इस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन दवा का सबसे बड़ा निर्यातक है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इस दवा का। अब भारत में जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, हमें अपने एक्सपोर्ट के ऊपर एक बैन लगाना पड़ रहा है, क्योंकि भारत 1,35,00,000,000 जनसंख्या वाला एक देश है और अगर यहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी तो अंततः हमारा जो स्टॉक है ये कम पड़ जाएगा। भारत के पास अभी भी जो रॉ मटेरियल मौजूद है उससे करीब करीब 20,00,000,000 टैबलेट्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन जब से अमेरिका, ब्राजील और हमारे पड़ोसी देश नेपाल, श्रीलंका, भूटान, इन देशों ने भारत से डिमांड की हुई है कि भई हमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन दवा की सप्लाई जारी रखी जाए या हमें दी जाए, तब से हमारे सामने एक संकट की घड़ी आ चुकी है। सरकार देश में सभी पक्षों से विचार विमर्श कर रही है, क्या इन परिस्थितियों में इस दवा का निर्यात किया जा सकता है या नहीं। तमाम सरकारी अधिकारी या दवा बनाने वाली कंपनियां ये मान रही हैं कि फिलहाल इसका उत्पादन बढ़ाना संभव नहीं है। आइए बात करते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन दवा के उत्पादन पर। भारत में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन दवा मुख्यतः चार कंपनियां बनाती हैं। ये चार कंपनियां हैं कैडिला, दूसरे नंबर पर है वाइटल हेल्थ केयर, तीसरे नंबर पर है मंगलम हेल्थ केयर और चौथे नंबर पर है इपिका लेबोरेटरीज। इन सभी प्रमुख कंपनियों के अलावा कुछ छोटे स्तर पर और भी कंपनियां हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन दवा के निर्माण से जुड़ी हुई हैं। भारत में अगर संयुक्त तौर पर बात करी जाए तो क्लोरोक्वाइन दवा को बनाने के लिए इस समय करीब 60 से 80 टन के बीच में कच्चा माल इस समय स्टॉक के रूप में है। कच्चे माल के रूप में EMME नामक एक उत्पाद की जरूरत पड़ती है और जिसके लिए मुख्यतः हम चीन पर निर्भर है। तो अगर हम बात करें क्या इन विशेष परिस्थितियों में भारत इस दवा का उत्पादन बढ़ा सकता है, जैसा कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि रॉ मटेरियल
सबसे पहले हमें चाहिए और रॉ मटेरियल जिसको कि हम चीन से मंगवाते हैं EMME, ये इस समय लॉकडाउन की पोजीशन को देखते हुए मंगवाना संभव नहीं है। हमारी कंपनियां भी आपका अभी तमाम देशों की मांग को पूरा करने में अक्षम है। हालांकि जितनी ये मांग है इसको सिर्फ भारत की दो कंपनियां ही पूरा कर सकती थी, लेकिन वर्तमान समय आपातकालीन लगभग स्थितियों का है और हमें भारतीय नागरिकों के संभावित आपातकालीन स्थिति का भी ध्यान रखना है। अब बात आती है कि आखिर भारत ऐसे स्तर में क्या करे। तो भारत को क्या चाहिए कि भारत ने पहले नंबर पर निर्यात के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। 4 अप्रैल 2020 को ही उसने एक अधिसूचना जारी की और अधिसूचना जारी करने के बाद यह स्पष्ट कर दिया कि कोई भी कंपनी इस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का निर्यात नहीं करेगी, चाहे उसने पहले से ही निर्यात के लिए एडवांस ले रखा हो या स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं निर्यात नहीं कर सकेंगी। लेकिन वर्तमान समय में जब भारत के पड़ोसी देश जिनके लिए हम बड़े भाई की भूमिका में हैं, दक्षिण एशिया में भारत सबसे बड़ा देश है और अपने साथ साथ हमें अपने पड़ोसियों का भी ध्यान रखना है, ऐसे में हमें किसी न किसी तरीके से अपने उत्पादन के स्तर को भी बढ़ाना होगा और खास तौर पर अगर बड़े देशों को नहीं तो नेपाल, श्रीलंका, भूटान जैसे हमारे मित्र और छोटे देश जिनके कि हम बड़े भाई की भूमिका में हैं, इनकी हमें मदद करनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हमें इस चीज पर भी आपका ध्यान रखना चाहिए कि जो भी भारतीय नागरिक हैं उनके लिए पर्याप्त मात्रा में इस दवा का भंडार बना रहे। यही ट्वीट राहुल गांधी ने भी किया हुआ है अभी कुछ समय पहले। उन्होंने कहा, दोस्ती बाद में, पहले अपना पेट। लेकिन हमें दूसरों की भलाई का भी आपका सिद्धांत ध्यान में रखना होगा, लेकिन दूसरों की भलाई के सिद्धांत में हमें अपने हित को भी भूलना नहीं चाहिए। तो कुल मिला के सिर्फ लाभ कमाने के लिए यहां पर एक्सपोर्ट की अनुमति नहीं देनी चाहिए भारत सरकार को। हां, जो हमारे पड़ोसी देश और ऐसे देश जो कि बहुत ही ज्यादा इसकी किल्लत से जूझ रहे हैं उनको कुछ ना कुछ मदद जरूर दी जानी चाहिए।